This is a responsible episode. This episode is against smoking, alcohol, burgers, fries, chips, colas, chocolates, sweets, water for holy, porn, fur, non-witch food, every damn thing that makes life dangerous and not worth living. We expect you to die at the end of the episode. If you don't, it's completely your fault. Jai Hind. Welcome to Jai Hind. यह एपिसोड बहुत ही डेंजरस है. इसे देखते समय आपके अंदर डेडली डिजायर्स उत्पन्न हो सकते हैं. आप इंसान से जानवर बनना चाह सकते हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे. हम आपको बचाएंगे क्योंकि हम सोशली रिस्पॉन्सिबल हैं. हम स्क्रीन पर ऐसे डिस्गस्टिंग वार्निंग्स आपको दिखाएंगे कि आपके अंदर की सारी डिजायर्स स्काईस्क्रेपर से छलांग मार मार के आत्महत्या कर लेंगी. शुरू करते हैं आज का टॉर्चर. सबसे पहले बात करते हैं हमारे हिना रब्बानी के बारे में. पिछले दो महीने से ये वीडियो देखिए. हाँ, हमारा नंबर वन वीडियो है. अमन की घटिया आशा के बदले इंडो पाक को जय हिंद जोड़ रहा है. पाकिस्तानी भाई लोग लाखों की तादाद में ये वीडियो देख रहे हैं और लिख रहे हैं. ये पहला कुछ बनाया है हिंदुस्तान ने जो कोई काम की चीज़ है. बोलो, हिना रब्बानी के इस वीडियो के बढ़ते व्यूज़ को देख के ऐसा लगता है कि इंडो पाक को सिर्फ सटायर ही जोड़ सकती है. दोनों देशों के लोग कमीने हो ना हो, उनके नेता इतने कमीने हैं कि आपस में लड़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है. बेहतर यही है कि साथ में गालियां बको और खूब हंसो. अब चलते हैं सीबीआई की ओर. पिछले दिनों डीएम के लीडर स्टालिन के घर पर सीबीआई ने जब छापा मारा तो गवर्नमेंट ने कहा कि वो सीबीआई के मामलों में इंटरफियर नहीं करते. पर सीबीआई को ये रेड नहीं करनी चाहिए थी. उन्होंने सिर्फ ये कहा और 15 मिनट में रेड बंद भी हो गई. इंटरफियर नहीं करते ना, इसीलिए. बाय द वे, आप में से किसी ने अटैक्स ऑफ 2611 देखी? मैंने देखी और देखने के बाद मैंने ये वीडियो बनाया. चल चल मेरे साथ चल, ये देख तीन तीन लाशें पड़ी हैं. सूंगने सूंग जा साले सूंग, कैसी खुशबू आ रही है तुझे. अच्छा है अच्छा है, बड़ी फिल्में बनाता है तू अच्छी वाली. ये देख स्टीवन स्पीलबर्ग की लाश पड़ी है, मर गया साला अच्छी फिल्में बनाते बनाते. कोशिश करिए एक से एक हॉलीवुड एक्टर को लेंगे. सूंग सूंग साले सूंग, पड़ा रहे वहां पर. ये देख इसके बगल में यहाँ ये टैरेंटिनो लेटा है. ये टैरेंटिनो, इसने भी कोशिश करी कि अच्छी फिल्में बनाऊंगा लेकिन कुछ नहीं कर पाया. सीख इससे, ये साला तेरे को सिखाएगा. ये लाश भी तेरे को सिखाएगी कैसे अच्छी फिल्में बनाते हैं. सूंग सूंग देख, तेरे को कहानी से कोई लेना देना नहीं होता. अच्छा है बहुत अच्छा है. लोग कहते हैं बड़ी अच्छी फिल्में बनाता है, तेरे अंदर की सारी आग यही निकल जाएगी, यही मरा रह जाएगा तू. साला तेरे को जन्नत में कौन लेके जाएगा बता तू मुझे. ये देख विमल रॉय यहाँ पड़ा हुआ. ये साला इधर आ, इधर आ वापिस से, इधर आ. सूंग उसकी लाश को, मुझे बता इसमें क्या अच्छा है. तू तेरी फिल्मों में क्या बताता है, तू बताएगा तेरी फिल्मों में क्या अच्छा है. मैं तेरे को बताएगा, तू इधर आज, तू यहाँ लेट के देखेगा. आज मैं तुझे बताऊंगा ये हिंदू की लाश, ये स्टीफन स्पीलबर्ग की लाश, ये स्टीफन की लाश, ये टैरेंटिनो की लाश, ये विमल रॉय की लाश. साले तीनों ने एक से एक फिल्में बताई, तू बता मेरे को सबसे ज्यादा अच्छी खुशबू किससे आती है. बता बता तू इधर आ. नहीं बता नहीं. अच्छा अच्छा, एक बार वापस से मुझे बता इनमें से सबसे ज्यादा खुशबू किससे आती है. सालों की लाश यहाँ पड़ी है, एक दिन तू भी ऐसी मर जाएगा, तू भी मर जाएगा. तेरे को फांसी चढ़ा दूंगा मादर, तू भी यहाँ पड़ा रहेगा, तेरी लाश में से भी बदबू आएगी. फिर हम बोलेंगे इसमें से रामू की लाश कौन सी, हिंदू की कौन सी, मुसलमान की कौन सी. अच्छा है अच्छा है. आप फिल्म देखिए और ये सीन भी. बस इसी टॉर्चर अटैक्स की वजह से रामू अटैक्स ऑफ 2611 ठीक से नहीं बना पाया. और जब आप ये महान फिल्म को फाइनली देखेंगे तो आपको लगेगा कि कसाब को नहीं, 26/11 के लिए राम गोपाल वर्मा को फांसी पे लटकाना चाहिए. आगे है और भी बकवास, मतलब बकवास बोल पे हमला बोल. हाँ, तब तक बजाओ. Giant.
दब चुकी है बकवास के बोझ तले और बकवास प्रसाद ने तोड़ दिए हैं सील बकवास की पोथी के, और मैं तैयार हूं रैपिड फायर लड़ने के लिए इन घटिया स्टेटमेंट्स के साथ। तो शुरू करते हैं बकवास बोल पे हमला बोल। नीतीश कुमार ने कहा दिल्ली की गद्दी पर वो बैठेगा जिसके मन में दया होगी। फिलहाल दिल्ली की गद्दी पर ऐसा आदमी बैठा है जिसे देखकर दूसरों को बड़ी दया आती है। नीतीश कुमार ने कहा हमें दाएं बाएं ना देखकर सीधे देखना है। इस पर कांग्रेस ने कहा कि फिर नीतीश भाषण में अपने दाएं बाएं के राज्य बंगाल और उड़ीसा का नाम क्यों ले रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा पूरे देश को साथ लेकर चलेंगे। इस पर जेडीयू के एक छुटभैया नेता ने कहा कि आपका बॉडीगार्ड हमें तो आपके साथ चलने नहीं देता, पूरे देश को क्या चलने। केजरीवाल ने कहा कि वो अनशन नहीं करेंगे बल्कि उपवास कर रहेंगे। आप अनशन कर भी नहीं सकते, उस पर अन्ना का कॉपी रहेगा। केजरीवाल ने कहा कि कोई भी अपने बिजली का बिल ना भरे। इस पर यूपी के लोगों ने कहा कि ये कौन सी नई सलाह दे रहे हैं, हम तो बरसों से इसी बात को फॉलो कर रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा बिहार के विकास में बीजेपी का भी हाथ है। इस पर कांग्रेस ने कहा कि हाथ तो हमारा है, हमने इतने साल सारे राज्यों को पीछे रखा है तभी तो आज आप लोग विकास कर पा रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री हमारी बात को समझते हैं। हाँ, बेतु की बातें उनकी समझ में बहुत जल्दी आ जाती है। बीजेपी ने कहा कि सरकार की विदेश नीतियां बकवास है। इस पर सरकार ने कहा कि ये तो सब जानते हैं, मजा तब आता है जब बीजेपी बता सकती थी कि हमारी कौन सी नीति बकवास नहीं है। सरकार ने कहा सही वक्त पर दाम कम हो ही जाते हैं। पता नहीं सरकार कौन सी घड़ी का इस्तेमाल करती है कि सही वक्त आने में 9 साल का वक्त लग जाता है। बीजेपी ने कहा कि जनता की याददाश्त बहुत तेज होती है, इसीलिए तो आज तक इंडिया शाइनिंग कैंपेन भूल नहीं पाई। मनमोहन ने कहा रिश्ता उसी से रहता है जिस पर विश्वास होता है। इसीलिए तो अब जनता का आपसे कोई रिश्ता नहीं रहा। मनमोहन ने कहा इटली से हमें वादा निभाने की उम्मीद थी। हाँ, जब से मैडम ने आपको प्रधानमंत्री बनाया है इटली से उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं। इटली के राजदूत ने कहा कि भारत छोड़कर नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे भला, सोनिया जी के रहते ये देश अब इटली से कम है क्या। मनमोहन को उम्मीद है कि इटली में उनकी बात सुनी जाएगी। जब पिछले 10 साल से वो इटली की एक महिला की हर बात सुन रहे हैं तो इतना तो हक बन गया। बीजेपी ने कहा कि वो इस मुद्दे को ठंडा नहीं होने देंगे। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि फिक्र ना करें, इस मुद्दे को ठंडा होने से पहले हम एक बहुत बड़ा घोटाला करके आपको दूसरा मुद्दा दे देंगे। मनमोहन ने अपने भाषण में खुद को मेमना कहा। इस पर कुछ मेमनों ने दिल्ली में आंदोलन करने की इजाजत मांगी है कि प्रधानमंत्री अपने भाषण में उनका अपमान क्यों कर रहे हैं। मनमोहन सिंह ने कहा कि बीजेपी बेवफा है। हाँ, बीजेपी ने वादा किया था कि 5 साल के बाद उन्हें मुक्त कर देगी, लेकिन बीजेपी के चुनाव हारने से उन्हें 5 साल और प्रधानमंत्री बनने की सजा भुगतनी पड़ी। मनमोहन ने कहा कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। हाँ, पूरे संसद में वो अकेले हैं जो ना गरजते हैं ना बरसते हैं। मनमोहन ने कहा कि उनकी सरकार की ताकत ही बीजेपी को हराएगी। हाँ, पिछले दिनों बीजेपी नागालैंड और मेघालय में हार गई। राहुल गांधी ने कहा कि वो कभी शादी नहीं करेंगे। हाँ, 75 साल तक युवा बने रहने के लिए उन्हें ये कुर्बानी देनी है। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम बनने की उनकी कोई इच्छा नहीं। हाँ, जब घर बैठे पीएम का हर काम कर सकते हैं तो बेकार में ऑफिस जाने की क्या जरूरत है। बीजेपी ने कहा कि राहुल हार से डर गए हैं। इस पर राहुल ने कहा कि गलत बात है, बिहार यूपी और गुजरात के बाद अब तो आदत है। राहुल ने कहा कि मनमोहन सरकार की नीतियां देख मैं दंग रह गया। हाँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि भ्रष्टाचार इतने विभिन्न तरीकों से भी किया जा सकता है। राजा भैया ने कहा कि कानून पर उन्हें पूरा विश्वास है। हर चोर अंधे को लूटने में विश्वास है। मायावती ने कहा कि यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू हो। इस पर प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि अरे मेरा क्या गुनाह है जो मुझे वहां बुला रहे हैं। मुलायम ने कहा कि कभी राजा भैया बीजेपी में भी सदस्य थे, लेकिन इतने बढ़िया क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले आदमी वहां से ज्यादा हमारी पार्टी में फिट होते हैं, इसीलिए यहाँ चले। लालू ने कहा कि मोदी के राज में भ्रष्टाचारी जमकर फैले हैं। इस पर कांग्रेस के लोगों ने कहा कि फिर हम गुजरात में क्यों नहीं फैले। कांग्रेस के एक नेता ने कहा उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में के मंत्रिमंडल में राजा भैया को नहीं होना चाहिए। हाँ, उनकी जगह तो केंद्र के मंत्रिमंडल में है, वहां ऐसे लोगों की खूब तरक्की होती है। तो हमें भी करनी है प्रभु, कब मुझे इस पोते से आजादी मिलेगी। जब सेलिब्रिटीज अपने मुंह में ताला लगा लेंगे, यानी कि कभी नहीं। मिलते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे नए हिस्ट्री पे आधारित सेगमेंट लगान से पहले में। बांधो भाई सामान।
फैक्ट हम अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए आपके लिए लाए हैं इंडियन हिस्ट्री का रिफ्रेशर कोर्स, जहां आप हमारे महान देश के महान हिस्ट्री को एक नए नजरिए से देख सकेंगे। तो पेश है हमारा नया सेगमेंट लगान से पहले। सर 1912 शिरडी, महाराष्ट्र के पश्चिम में बसा एक छोटा सा गांव। शिरडी के लोग भारत के हजारों गांवों के लोगों की तरह अपना गुजर बसर, बकचोदी, टाइम पास और अगर समय बचता है ना तो अपने गाय बैलों को पाल के उनको चरा के करते थे। गांव की सीमा से लगकर अंग्रेजी हुकूमत की छावनी थी और अंग्रेजों ने अपने एक सिपाही टॉम ऑल्टर को शिरडी पर नजर रखने के लिए तैनात किया था। उस गांव में नीम के पेड़ के नीचे फकीर रहा करता था भाई बाबा। आसपास के गांव के लोगों का मानना था कि भाई बाबा को दूरदृष्टि की शक्ति प्राप्त थी। लगता है भाई बाबा अपनी ध्यान साधना से जग रहे हैं। देखते हैं आज वो आने वाले युग के बारे में क्या बताते हैं। अच्छा है, अच्छा है भाई बाबा की जय हो, भाई बाबा की जय हो, जय हो सब का मालिक एक है, एवरीबॉडीज ओनर वन। बाबा, आने वाला युग कैसा होगा, क्या क्या होगा उसमें बताइए। बॉम्बे का नाम बदल के फिर से मुंबई रख दिया जाए। What? हाँ, और राज नाम का एक मराठी मानुष यूपी और बिहार से आए हुए रिक्शे वालों और फेरी वालों को बहुत पीटेगा और उन्हें पीट पीट के मुंबई से बाहर भगाएगा। अच्छा है, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय भाई बाबा की जय हो, जय हो। अरे 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 अरे, ये अच्छुत यहाँ आ गया। शिव 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 शिव, अरे सबका मालिक एक है मेरे मित्र। माना जी, मेरे पास आके बैठो, आओ। अच्छा है, पूछो पूछो, क्या पूछना है। अच्छा है भाई बाबा, मेरे वर्ण के लोगों का आने वाले युगों में क्या होगा, क्या छुआछूत खत्म हो जाएगी। छुआछूत, छुआछूत आने वाले युग में 2011 में तुम्हारे वर्ण का एक आदमी बड़ा नाम करेगा और उसकी बड़ी ख्याति होगी। उसका नाम होगा ए राजा। वो बहुत बड़ा 2,00,000 करोड़ का घोटाला करेगा। 2,00,000 करोड़। अच्छा है, माना जी रिलैक्स, कैलकुलेटर आएगा नियर फ्यूचर। इस घोटाले को लोग 2G स्कैम का नाम देंगे। बाबा, ये 2G क्या होता है? ये 2G क्या होता है? The spectrum that uses second generation microwave cellular communication is called A2G. अबे चूतिये, बाबा कह रहे तो कोई बड़ी चीज ही होगी, रेलगाड़ी जैसी। और बताइए बाबा,
वो साउथ कोरिया का एक सिंगर होगा साय, उसका गंगम स्टाइल वाला गाना विश्व में सबसे ज्यादा प्रचलित होगा, वो कोहराम मचा देगा। अच्छा है बाबा, साउथ कोरिया ही कहाँ है? पाकिस्तान के पास होगा। माना जी, पाकिस्तान अभी नहीं बना है। you bloody Indians, ये भाई बाबा मुझको पाकिस्तान का ISI एजेंट लगता है। try to understand, you stupid idiots. अरे पाकिस्तान अभी तो बना ही नहीं है, मूर्ख। अच्छा है, तुम idiots इस आदमी की बकवास मत सुनो, अपने अपने कामों पे जाओ, कामों पे काम करो कुछ। ये साला भाई बाबा तुम चूतियों को और भी चूतिया बना रहे, idiots. बाबा इस अंग्रेज का मुंह बंद करो, कुछ करो ना। अच्छा, कोई जादू वादू, कोई चमत्कार। बुरी नजर वाले है, तेरा मुंह काला। चमत्कार 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 बाबा, आने वाले युग में बोरों की तो लगने वाली है। Is it just me or they were really racist? और अब आप समझ गए होंगे कि ये देश हमेशा ऐसे ही था, which means we desperately need help, और मैं दूंगा वो help नेक्स्ट सेगमेंट पे इन जय हिंद हेल्प। प्रॉब्लम हो जस्ट वीडियो कॉल मी और मैं आपकी मदद करूंगा, आई शपथ। सो कॉल मी नाउ। मैं वीरेंद्र सहवाग बोल रहा हूं, आई एम कंफ्यूज्ड, आई डोंट नो व्हाट टू डू विथ माय लाइफ। क्यों, प्रॉब्लम क्या है? अरे एक तो मेरे नंबर आ गए, हैंड और आई कोऑर्डिनेशन भी नहीं रहा, फॉर्म भी नहीं है, तो मैं सोच रहा हूं कि मैं रिटायरमेंट ले लूं, लेकिन ये सचिन है ना, मुझे रिटायरमेंट लेने से रोक रहा है। तुम ही बताओ अब मैं क्या करूं। तुम रिटायरमेंट ले लोगे तो उस पर और प्रेशर आएगा। एक काम करो, सचिन को प्रपोज करो कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मुझसे शादी कर लो। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि सचिन आपसे पीछा छुड़ाना चाहेगा। ही विल स्टॉप कॉलिंग यू, ही विल स्टॉप टॉक सॉरी टेकिंग योर कॉल्स, और फिर आपको रिटायरमेंट नहीं लेने के लिए वो कह नहीं पाएगा। सही सही, थैंक्स सुमी, थैंक्स, मेरी लाइफ बना दी तुमने तो, थैंक यू सो मच। हेलो हेलो सुमित, मेरा नाम रोशन है, मेरे भाई को इटली की एक लड़की पसंद आ गई है यार, मुझे पता नहीं मैं उसे कैसे रोकूं। जस्ट टेल हिम राहुल गांधी को एक बार ध्यान से देख ले, उसके बाद वो इटली के लड़की से शादी करने की कभी नहीं सोचे। इफ ही इज डम, मेक इट क्लियर, शादी के बाद उसका बेटा ऐसा दिखेगा। बोल। हेलो। हे सुमित, मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आ गया है। आई हैव ऑल ऑफ सडन डेवलप फीलिंग्स फॉर नरेंद्र मोदी। मुझे गिल्ट भी नहीं फील होता और खुशी भी नहीं। आई डोंट नो व्हाट टू डू। अच्छा ये बताइए, आपका वजन कितना है? 45। आपकी हाइट? 5.3। आपके हाइट के हिसाब से आपका वजन कम है, आपको उनसे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ही इज वेरी गुड विद डेवलपमेंट, आपको ढंग से डेवलप कर देंगे। गो फॉर इट। ओके कूल, थैंक्स सुमित। वेलकम। बोलिए सुमित, मेरा 10वां ब्रेकअप हो गया है। आपका ब्रेकअप क्यों हो जाता है? एक्चुअली मुझे है ना अटेंशन चाहिए होता है, और मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड मुझे अटेंशन नहीं दे पाता, उनका जॉब, उनकी लाइफ। एक काम कीजिए, आप साजिद खान को अपना बॉयफ्रेंड बना दीजिए, बहुत जल्दी उनकी लाइफ में बहुत फ्री टाइम होने वाला है, एंड ही वोंट हैव एनी लाइफ और जॉब, सो ही विल गिव यू ऑल द अटेंशन। वो मुझ में इंटरेस्टेड क्यों होंगे?
क्योंकि हिम्मत वाला के फ्लॉप होने के बाद कोई भी लड़की साजिद में इंटरेस्टेड नहीं होगी. ही वोंट हैव एनी चॉइस और तुम्हारे पास कंपटीशन नहीं होगा. थैंक यू सो मच सुमित. बस 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 आज का जो चुतियापे का कोटा है वो यहीं पे हम खत्म करते हैं. दिस हैज बीन अ रिस्पॉन्सिबल एपिसोड ऑफ जय हिंद जहां हमने क्वालिटी को सैक्रिफाइस करके अपने चेहरे तक को सैक्रिफाइस करके आपको दिखाए ढेर सारे वार्निंग्स अगेंस्ट स्मोकिंग अल्कोहल बर्गर्स फ्राइज चिप्स कोला चॉकलेट स्वीट्स वाटर कॉर्न एवरीथिंग यू लव. एंड नाउ इफ यू हेट मी फॉर दिस याद रहे ये सब सरकार ने मुझसे जबरदस्ती करवाया तो गुस्सा सरकार पर निकालो जला दो मिटा दो. जय हिंद. Everything I hate is hateful. Hills up and up and sky above. Not all good is all good, but sometimes I shine. None of us are perfect all the time. Nothing matters, always takes in what's gone. Baby, you're nothing without your contradiction. Contradiction. Down, stand up. In the dream, wake up, go, go. Well, nothing matters except what's gone. Baby, you're nothing without your contradiction. Without your contradiction. La 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 la. You're nothing without your contradiction. Oh-oh.